हिसाब से ओबीसी समाज से जिसका ताल्लुक नहीं है वो ओबीसी समाज के बाहर के हमारे साथी हैं, लेकिन इस ओबीसी मूवमेंट को जो दोबारा रिवाइव करने की कोशिश हो रही है उसमें अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो हमारे साथी जनाब सईद खान साहब का है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरा के बॉम्बे के प्रेसिडेंट है। एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी अलग अलग मूवमेंट में लगातार काम करने का, और मैं ऐसे समझता हूँ कि हम जाती तौर पर लगातार इनसे सीखने की कोशिश करते हैं और इनकी सरपरस्ती में और शब्बीर अहमद साहब की सरपरस्ती में अपने तमाम काम चलाते हैं। तो मैं जनाब सईद अहमद खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अपने खैरात के साथ मौजूद साथियों, शहर मुंबई आपका इस्तेमाल करता है। महाराष्ट्र के तूल और से छोटे छोटे जिले और गांव शहर में हमारे साथी शब्बीर अहमद अंसारी की आवाज पर यहाँ जमा होना और इस तहरीक को दिलो जान के साथ खड़ी करने का जो पूरी एक रिवायत 30-40 साल है उसमें आप सबका खून पसीना है। शब्बीर अहमद साहब की कयादत में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इन साथियों ने इस तहरीक को खड़ा किया। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि जब शब्बीर अहमद अंसारी साहब आज से 30-40 साल पहले ये बात कहते थे कि दस्तूर ने ओबीसी को हुकूक दिए हैं और ओबीसी के हुकूक दस्तूर में किस तरह से अप्लाई होते हैं, कैसे मिल सकते हैं, तब मुस्लिम समाज शब्बीर अहमद अंसारी का विरोधी था। मुस्लिम समाज कहता था अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, काबा एक, तो ये शब्बीर अंसारी नई चीज क्या ले आया? मुसल्ले में, मस्जिद में एक, दस्तरखान पे एक, हज पे एक, तो ये बरादरी की बातें क्या करता है, पसमानदगी की बातें क्या करता है? मुस्लिम समाज का पढ़ा लिखा तबका, मुस्लिम समाज का आलिम दीनी तबका शब्बीर अहमद अंसारी की जानी सुपन कर गया। मुख्तलिफ हमले शब्बीर अंसारी पर हुए, दवा है ये तारीख के लोग का मतलब शब्बीर अंसारी को नई वाणी लाया है, लेकिन 20 साल बाद वो तमाम लोग ये बात कहने पर राजी हो गए कि शब्बीर अंसारी तुम सच थे, हम गलत थे, तुम्हारी बातें सच थी, हिंदुस्तान की व्यवस्था को तुमने समझाया, मजहब अपनी जगह है लेकिन ये मुल्क जात और समाज और तबकों से बटा है और जात समाज तबके ज्यादा मजबूत है, हिंदू बड़ा मुस्लिम बड़ा एक है, हिंदू माली मुस्लिम माली एक है, दूध बेचने वाला हिंदू मुस्लिम एक है, पेशे से जुड़ा हुआ हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा मुत्तहिद है, वो मजहब से भी ज्यादा मुत्तहिद है, उसका दर्द एक है, उसकी परेशानी एक है, और यही वो तहरीक है जो कमजोर हुई है ओबीसी की इस तहरीक को कमजोरी हुई है। अगर ये कमजोरी नहीं होती तो ये मुल्क इतना कम्युनल नहीं होता। अगर हिंदू मुस्लिम में जात के नाम पर, काम के नाम पर जो एका है, जो मोहब्बत है, जो राइट और माली में मोहब्बत है, जो उनके इश्यूज एक है, इनका ट्रेडिशन एक है, इनका खाना पीना एक है, अगर हम इसको जितना मजबूत करते इस तहरीक को, ये तहरीक उतनी आगे बढ़ती और ये मुल्क उतना कम्युनल नहीं होता। जिस तरह शब्बीर अंसारी साहब की कोशिशें की, माधव जानकर साहब की भी कोशिशें धनगर समाज के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, किस तरह तहरीकें चलती हैं, ये सारे लोगों ने तहरीकात चलाई हैं, ये तमाम तहरीकात चलाने वाले हमारे अखिल मुस्लिम के लीडर्स अपनी अपनी जमातों को कुछ ना कुछ दे पाए हैं, ये हकीकत है, ये हुकूमत से हाथ में हाथ मिला के बातें करते हैं, लेकिन मुस्लिम ओबीसी समाज उस तरह मजबूत नहीं है कि मुसलमानों की इस ओबीसी की जमात को हुकूमत के सामने हाथ से हाथ मिलाकर बात करें, इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने पिछले 10-15 सालों में शब्बीर अहमद अंसारी को वो कुवत नहीं दी और हमने इन समाज के लोगों के साथ वो रास्ते नहीं रखे जो रास्ते रखने की जरूरत थी, जो दर्द जानकर समझते हैं, जो दर्द ओबीसी का छगन भुजबल समझते हैं, कोई और सियासी पार्टी का लीडर नहीं समझ सकता। हमने ही रास्ते कर्म किए शब्बीर भाई, ये तमाम नायक हमारे लोग हैं, हम सब इनसे मिलकर अपने इश्यूज पे बात करते हैं, ये हमसे ज्यादा हमदर्दी रखते हैं, हमसे ज्यादा कॉज समझते हैं। दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात मुस्लिम संगठनों से, पिछले 15 सालों में बंबई शहर में ओबीसी की कई जमातें बनी, मसला ये है कि हम एनजीओ बन गए हैं, हमारी जमातें जानकर साहब आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तहरीक और एनजीओ में फर्क होता है, चलवल और एक सामाजिक काम करने वालों में फर्क होता है, हमारा तेली समाज एनजीओ बन गया था, बुक बांट रहा, फीस बांट रहा, दवाओं की चिट्ठियां बांट रहा, इसकी जरूरत नहीं ऐसा नहीं बोलता, इसकी जरूरत है, हर समाज अपने अपने समाज में सारे काम करे, लेकिन तहरीक कौन चलाएगा? आपके दस्तूरी हुकूम जो दस्तूर में आपको दे रखे हैं उसके लिए सड़क पर कौन आएगा? सड़क पर आना पड़ेगा, किसी को काया बनाकर इन तमाम डायरी के साथ
सत्ता का तौर पर आगे निकलना पड़ेगा। दस्तूर ने सब किया, शाहू महाराज फुले और अंबेडकर ने जो बुनियादें रखी, मंडल ने उन बुनियादों पर हुकूमत दे दिया आपको। लेकिन ये बात आप जान लीजिए, खुसूस मुस्लिमों में सी जान लीजिए कि मंडल के दस्तूरी हुकूमत देने के बाद भी, उस खाने की प्लेट को रख देने के बाद भी आपके सामने कांच की दीवार लगा दी गई है। दिखता तो है, मिलता नहीं है। दिखता तो है, मिलता नहीं है। इतनी अड़चने, इतनी कांच की दीवारें कि हम तोड़ नहीं पाते। तोड़ने के लिए सबको साथ देना पड़ेगा, खुद पर की कयादत से आगे बढ़ना पड़ेगा। सत्ता और समानता का जो नारा मुझ पर का है और ये सारे कायदीन का नारा है, ये लोगों ने अपनी अपनी जमातों को सब दिया है, इन सबको साथ देना पड़ेगा। ये हमारे असली हमदर्द हैं। और आज का ये मजमा और आज का ये जलसा ये उसी लड़ाई का ऐलान है। ये सब साथ हैं, शब्बीर भाई की कयादत में हम सब इन सब के साथ हैं। एक बड़ी लड़ाई का ऐलान शब्बीर भाई इस दृश्य से करने जा रहे हैं। साथ जो दूसरी बात तो कह के अपनी बात खत्म करूंगा, तमाम मसाइल अगर कुछ बन भी जाए, मंडल ने दे भी दिया, कांच की दीवार लगा दी, तोड़ने का तरीका सिर्फ और सिर्फ असेंबली और पार्लियामेंट है। तोड़ने का तरीका मंत्रालय के छठे और पांचवें माले पर है। जब तक आपका आदमी मंत्रालय के छठे पांचवे तीसरे माले पर नहीं बैठेगा, कांच की दीवार नहीं टूटेगी, दिखेगा हाथ मिलेगा। ओबीसी समाज को आगे लाना होगा, किसी भी सियासी पार्टी से हो, चलिए आज सियासी पार्टी से उठ के बात कर ले, किसी भी सियासी पार्टी से हो, ओबीसी समाज का है, मेरा भाई है, उसको इक्तदार की कुर्सी पर किस्मत की कलम लिखने के लिए बिठाना पड़ेगा। किस्मत की कलम लिखाने के लिए असेंबली में और मंत्रालय में दो से छह माले तक बिठाना पड़ेगा, तब जाकर आज की किस्मत में वो दीवार टूटने की चीज आएगी। आखिरी बात, शब्बीर भाई आज भी पैदल, शब्बीर भाई आज भी खटारा बैग लेकर, कभी पेट्रोल के पैसे नहीं, कभी स्त्री कपड़े भी नहीं, चला है दीवाना मस्त। मेरे साथियों, ओबीसी की शिकायत की कदर कीजिए, ओबीसी की शिकायत की कदर कीजिए, यकीन जानिए दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। इस ईमानदारी से ओबीसी का काम करने वाला दूर दूर तक मुस्लिम समाज में नहीं दिखता। अपनी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी को बचाने के लिए उतना सियासी हलवा आपके कुछ सियासी मुस्लिम लीडर करते होंगे, एज अ होल कोई कुछ नहीं सोचता। शब्बीर भाई एज अ होल सोचते हैं, तो दादा शब्बीर भाई को जमानत की तरह समझिए। और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल इन तमाम ओबीसी कैडर के साथ इस मुल्क में और खुसूस महाराष्ट्र में एक बड़ा बिगुल बजाएगा और सत्ता की गलियारों में, सत्ता की कुर्सियों पे ओबीसी का आगमन होगा इंशाल्लाह।